मॉर्निंग, अभी बजे है सुबह के 10:15, मतलब 10:15 बजे है। और पता नहीं मुझे आज क्या मूड चढ़ा है व्लॉगिंग करने का, तो ये मेरे चैनल का पहला व्लॉगिंग होगा। तो व्लॉगिंग में जैसे कि सब लोग रहते हैं, मैं भी वही वैसे ही हूँ, एकदम विदाउट मेकअप, बेयर फेस्ड, और घर पे हूँ मैं। और आज अभी मैं पी रही हूँ सुबह की चाय, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई है हम लोगों को उठने में, क्योंकि कल हम लोगों को बहुत ज़्यादा रात हो गई थी सोते सोते, बिकॉज मेरा बेटा एकदम से मतलब देर रात को उल्टी कर दी बिस्तर पे, तो पूरा वो सब कुछ क्लीन करके फिर हम लोग सोने आए, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी इसकी वजह से। मतलब 2:30 बजे हम लोग सोने आए, कैन यू इमेजिन 2:30 बजे। तो व्लॉगिंग मैं सोच रही हूँ कि मैं हिंदी में ही करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वो समझ में भी आएगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा वो हिंदी में करने में। और बाकी का जो वीडियोस होंगे वो मैं इंग्लिश में कर दूँगी, दैट्स ओके। और क्या, अभी मैं पी रही हूँ चाय, पता नहीं ब्रेकफास्ट कब होगा, लंच कब होगा, कुकिंग कब होगी, कुछ पता नहीं है। फिलहाल चाय से ही काम चला लेते हैं। और सुबह को मेरे हस्बैंड तो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, तो उनका ब्लैक कॉफ़ी मैं उनके टेबल पे रख के आई हूँ। वो अभी काम कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, बिकॉज अभी तो कोरोना वायरस के चलते आप लोगों को पता है सब स्कूल कॉलेज में छुट्टियाँ चल रही हैं, और ऑफिस में तो वर्क फ्रॉम होम कर दी गई है। तो मेरे हस्बैंड का भी अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो वो अभी डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तो उनके टेबल पे मैं देखे आई हूँ ब्लैक कॉफ़ी, और अभी मैं पी रही हूँ। मैं एक्चुअली हम दोनों ही ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी कुछ भी पिए, बट विदाउट शुगर के हम लोग पीते हैं, मैं मेरे हस्बैंड दोनों ही। और कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बेटे को भी सुबह को जो दूध कॉर्नफ्लेक्स या कुछ भी दूध देती हूँ तो उसमें मैं शुगर ऐड नहीं करती हूँ। वो कॉर्नफ्लेक्स या सॉरी कॉर्नफ्लेक्स नहीं, चौकोस तो वैसे भी मीठा ही होता है, तो उसके लिए शुगर को ऐड करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो बस यही, अब पता नहीं क्या करूँगी, ये कोरोना वायरस कब ठीक होगा क्या होगा। आप लोग प्लीज़ सेफ रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए, अच्छे से पानी पीजिए, ज़्यादातर गर्म पानी पीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स लीजिए। और अभी तो हम लोग मतलब फ़िश, चिकन या मटन तो दूर की बात है, फ़िश या चिकन कुछ भी हम अभी नहीं खा रहे हैं ये कोरोना वायरस के चलते। तो देखते हैं लंच में क्या बनेगा, सब्ज़ियाँ भी लेने जानी है मार्केट में, देखते हैं, लेट्स सी। अभी मैंने जल्दी से थोड़ी सी सनस्क्रीन अप्लाई कर ली है, बिकॉज जब सुबह को मेरे पास टाइम नहीं होता है उतना मतलब इलैबोरेटली स्किन केयर करने की, तो मैं बस थोड़ी सी सनस्क्रीन ही अप्लाई कर लेती हूँ और कुछ नहीं, बिकॉज और कुछ की मुझे उतनी ज़रूरत नहीं होती है जितना कि सनस्क्रीन की होती है, तो सनस्क्रीन मेरे लिए एक मस्ट चीज़ है। तो अभी मार्केट जाने का तो कुछ मतलब उतना बात नहीं हो रहा है, तो पता नहीं क्या होगा, चश्मे के वजह से मैं खुद को ही नहीं देख पा रही हूँ। तो मार्केट में अभी तो हम जा नहीं सकते हैं, बिकॉज मेरे हस्बैंड अभी काम कर रहे हैं तो अभी नहीं जा सकते हैं, और शायद बाद में शाम को जाएंगे। और अभी घर में सोया चंक्स है तो वही बना लेते हैं, फिर राइस बनेगी, दाल बनेगी और सोया चंक्स बनेंगे, और फिर देखते हैं और क्या होता है, क्योंकि अभी तो फिश या चिकन कुछ तो हम खा नहीं रहे हैं, तो वो तो नहीं होगा, अब देखते हैं। मेरा बेटा तो अभी भी सोया पड़ा है, उसको भी उठाना है, मुझे हेयर वॉश भी करनी है, हेयर मेरा एकदम पूरा चिपचिपा और डर्टी हो गया है बिल्कुल, तो हेयर वॉश भी करनी है मुझे आज। ओके, तो तैयारी करते हैं फिर। और सोया चंक्स की वैसे रेसिपी तो आप लोगों के साथ शेयर करना उतना ज़रूरी नहीं है मुझे लगता है, बिकॉज आप सबको ये बनाना आता है, तो मैं इसे ही बना लूँगी बस, सोया चंक्स। ओके,
ठीक है, तो मिलते हैं फिर बाद में। अभी मुझे झटपट से मेरा अपना काम खत्म करना है और खाना भी बनाना है, बेटे को उठाना है, उसको भी खिलाना है, ये सब कुछ करना है, तो मैं झटपट से वो कर लेती हूँ फिलहाल। Thank you.
लेके निकली हूँ और मैं अभी थोड़ी मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी अपनी फेस पे। और अपने बॉडी पे मैं सनस्क्रीन के लिए यूज करूंगी ये है लोटस हर्बल्स का सेफ सन एंटी टैन बॉडी लोशन। इसमें है SPF 25 PA ट्रिपल प्लस और ये कई सारे वेरिएंट्स में आते हैं बट ये है एलोवेरा वाला और इसमें विटामिन B3 एंड ई भी है जो कि 24 आवर्स केयर देती है। ये बहुत ही अच्छी एक बॉडी सनस्क्रीन है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स हैं एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, विटामिन B3 एंड ई, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और ये आपके स्किन को UVA और UVB रेस से प्रोटेक्ट करता है। अभी हम करेंगे लंच। लंच में बना है राइस, दाल और फ्राइड आलू और उसके साथ है न्यूट्रिला, मतलब सोया चंक्स, सोया मिनी चंक्स लेते हैं हम। और आज मैं तो अपना हेयर वॉश नहीं कर पाई, इतनी देर हो गई मुझे घर को क्लीन करते हुए, सब कुकिंग करते हुए और मतलब घर के सब काम निपटाते इतनी लेट हो गई कि मैं हेयर वॉश नहीं कर पाई। कल पक्का कर लूँगी, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो गई है हेयर की। ओके, तो मैं अपना व्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अभी 1:30 हो गया है। तो अभी हम लोग लंच कर लेंगे और उसके बाद फिर शाम को मार्केट भी जाना है और रात के लिए रोटी भी बनाना है। तो यहीं पे मैं अपनी व्लॉग एंड करती हूँ और अगर आपको ये व्लॉग, ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।